वेलकम टू बायटेक स्टडी डॉट कॉम मैं सरिता तिवारी और आज हम टॉपिक देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स आपने बायोटेक्नोलॉजी में मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा लेकिन इन मैक्रोमोलिक्यूल्स इन बायोमोलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है जिसमें से वन ऑफ द प्रिफर्ड टेक्निक है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस आए देखते हैं डिटेल्स इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में इलेक्ट्रोफोरेसिस ये टेक्निक हम स्पेशली उन बायोमोलिक्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है ओके सो दीज टेक्निक स्पेशली फॉर द सेपरेशन ऑफ दोज आयंस विच आर कैरिंग चार्ज अब क्वेश्चन आता है क्या जिन मॉलिक्यूल्स पे चार्ज नहीं होता क्या हम उन्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन हमें उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज इंपोज करना पड़ता है और ये चार्ज हम इंपोज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स ओके नाउ अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है उसमें हम बायोमोलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं द प्रिंसिपल जो इस डिटेक्शन में uh, है, कि सेपरेट होते हैं अपने मास और चार्ज के बेसिस में। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में माइग्रेशन होता है चार्ज पार्टिकल का अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उन मैक्रोमोलिक्यूल्स जो चार्ज कैरी करते हैं उसके माइग्रेशन को उसके मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं और इस टेक्निक के थ्रू हम बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है जो आयोनाइजेबल ग्रुप कैरी करते हैं उसे हम सेपरेट कर सकते हैं एक सिंपल सी बात है जब हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना रहता है तो उसके लिए हमें एनर्जी लगती है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी जो चार्ज मॉलिक्यूल्स का माइग्रेशन है वो भी एक फोर्स पर डिपेंड करता है सो so यहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है एक इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक होता है वो टैंक के अंदर हमारा इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड कैथोड देन ये जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्टेड होता है एंड देन हम एक इन इस इलेक्ट्रिक सेटअप के अंदर इलेक्ट्रोफोरेटिक सेटअप के अंदर फिर बफर सोलूशन लेते हैं और वो बफर सोल्यूशन के अंदर हमारा मीडियम प्रेजेंट होता है हम ये सारे चीजों के वन बाय वन डिटेल्स और आगे देखेंगे अब ये मीडियम के अंदर हमारा सैंपल प्रेजेंट होता है ओके okay? नाउ जैसे कि मैंने बताया कि हमें जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है तो हमें एनर्जी चाहिए उसी तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी जो आयंस का मूवमेंट है वो दो मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है पहला फैक्टर कि वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है वॉट इज द नेट चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन दैट मॉलिक्यूल और दूसरा उसे मूवमेंट कहा करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है इज द सप्लाई दिस हमारे माइग्रेशन ऑफ के लिए ओके okay? अब ये दोनों फैक्टर को अगर हम मैथमेटिकली देखें सो जो माइग्रेटिंग आयन पे फोर्स अप्लाई होता है वो होता है इक्वल टू डेल ई बाई डी जो कि हमारा फील्ड स्ट्रेंथ है इनटू चार्ज जो प्रेजेंट है हमारे मॉलिक्यूल पे विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूब नाउ मैंने जैसे बताया कि ये जो सैम्पल होता है ये मीडियम में प्रेजेंट होता है, और हमारा मीडियम जो है, वो है। वो बफर में सस्पेंडेड होता आप ये फिगर में देख सकते हैं दिस इज पॉजिटिव चार्ज एनोड दिस इज नेगेटिव चार्ज कैथोड यहाँ ब्लू कलर में बफर डिनोटेड है एंड ये जो बफर है वो एनोड से कैथोड करंट सप्लाई करने का काम करता है ठीक है सो so, अब क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो एक लिक्विड सोल्यूशन में डिस्पर्स है सो ऑब्वियसली इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन होता है एंड एज पर स्टोक्स लॉ इफ मॉलिक्यूल इज सस्पेंडेड इन अ सोल्यूशन उसका ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड रहता है द साइज एंड दिस्कोसिटी ओके मॉलिक्यूल का एन दीटा ये विस्कोसिटी है सोल्यूशन का बफर सल्यूशन का और वी जो है वो है वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल सो इस तरीके से जब पार्टिकल एक सोल्यूशन में सस्पेंड होता है तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला जनरेट होता है अब हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंबाइन करें तो हमें न्यू इक्वेशन मिलता है दैट इज डेल ई बाय डी इनटू क्यू दैट इज फील्ड स्ट्रेंथ इनटू चार्ज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल वो इक्वल टू होता है सिक्स पाई आर नीटा वी अब अगर हम इक्वेशन को रीअरेंज करें और वेलोसिटी को एक साइड लेकर आए दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल वी विल गेट द इक्वेशन डेल ई इंटू क्यू बाय 6 पाई आर नीटा डी सो ये इक्वेशंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स होता है उसका वेलोसिटी इलेक्ट्रोफोरेटिक चेंबर के अंदर डिपेंड करता है डायरेक्टली टू द फील्ड स्ट्रैंड दैट इज डेल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज से भी दैट इज क्यूब जबकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल साइज से दैट इज मैंने आपको बताया था वो रेडियस ऑफ द है और विस्कोसिटी दैट इज नीटा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ एंड चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन सो दिस मैथामेटिकल इक्वेशन हमें बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस किस फैक्टर्स से इंफ्लुएंस होता है होप इट क्लियर टू यू। दिस वाज जस्ट अ ब्रीफिंग हम डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोफोरसिस चेंबर के अंदर उनके मोबिलिटी को इफेक्ट करता है सो so, सबसे पहला है हमारा सैंपल अब सैंपल में ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अभी इक्वेशन से भी हमें क्लियर हो गया कि सैंपल पे जितना चार्ज प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा सैंपल की मोबिलिटी रहेगी जितना कम चार्ज प्रेजेंट रहेगा उतनी स्लो उसकी मोबिलिटी रहेगी सेकेंड इज द साइज अगर हमारे separating biomolecules का size larger है, तो उसके ऊपर ज़्यादा होगा, जिसके वजह से uh, molecules की मोबिलिटी जो है वो स्लो होगी सिंपल सी बात है जस्ट फॉर अ फन अगर कोई हैवी चीज है तो उसे मूव करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा और वो बहुत स्लोली चलेगा जबकि वही कोई लाइटर चीज हो वो बहुत ही फास्ट चलती है तो सेम यहां पे भी अप्लाई होता है कि जो छोटे साइज का मॉलिक्यूल रहेगा वो इलेक्ट्रोफोरेसिस रन में आगे रहेगा और जो बड़े साइज का मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम में पीछे रहेगा सो so साइज जो है वो भी इलेक्ट्रोफोरसिक मोबिलिटी को इफेक्ट करती है और तीसरा है शेप अगर हमारा सेपरेटिंग मॉलिक्यूल ग्लोबुलर है यानी कि सर्कुलर है तो वो इजिली उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लेस रहेगा जिसके वजह से उसकी मोबिलिटी हाई रहेगी ग्लोबुलर मॉलिक्यूल हाई मोबिलिटी इरेग्युलर मॉलिक्यूल साइज लो मोबिलिटी ओके वंस अगेन आई रिपीट हाई चार्ज हाई मोबिलिटी लार्ज साइज स्लो मोबिलिटी ग्लोबुलर शेप िटी सो so, इस तरीके से ये सैंपल के ये तीन फैक्टर्स इलेक्ट्रोफोरिटिक मोबिलिटी को इफेक्ट करते हैं दूसरा है इलेक्ट्रिक फील एग्जाम्पल अगर हमने इलेक्ट्रिक ओ, हमारा इलेक्ट्रोफोरिटिक रन चल रहा है और उस समय इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर रही है कभी हाई वोल्टेज कभी लो वोल्टेज सो so, ये जो ग्रेडियंट हो रहा है ये जो शिफ्टिंग uh, हो रहा है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का ये हमारे आय को हमारे चार्ज पार्टिकल्स के मोबिलिटी को इफेक्ट करेगा सो so हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट है वो स्टेबल होना चाहिए वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट अवर एक्सपेरिमेंट अदरवाइज हमें जो डिजायर्ड रेजोल्यूशन है सेपरेशन का हमारे चार्ज मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन का वो हमें नहीं मिलेगा और इंक्रीज पोटेंशियल जो है वो हमारे मॉलिक्यूल्स के रेट ऑफ माइग्रेशन को इंक्रीज करता है सो so, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारे आय के इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को तीसरा फैक्टर है मीडियम मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सैंपल है वो डायरेक्टली हम बफर में नहीं डालते हैं अदरवाइज वो डिस्पर्स हो जाएगा हम अपने सैंपल्स को डालने के लिए एक मीडियम यूज करते हैं और ये जो मीडियम होता है वो नन अदर देन अगरोस जेल पॉलीअक्रिलमाइड जेल स्टाइरा जेल ये जो जेल्स uh, होते हैं ये हम यूज करते हैं ओके okay? सो so, अब हमारे जब एक आयंस इलेक्ट्रोफोरेसिस के uh, यूनिट में रन हो रहा है तो उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहा है पहला इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक uh, फील्ड का स्ट्रेंथ अप्लाई हो रहा है और दूसरा है यानी उसका सैंपल और मीडियम के बीच का इंटरेक्शन क्या है अगर सैंपल और मीडियम के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा तो सैंपल हाई रेट में मूव नहीं कर पाएगा इसे हम इसलिए सैम्पल और मीडियम का इंटरेक्शन बहुत ही स्लाइट होना चाहिए ताकि वो एक एवरेज रेट पर फ्लो कर सके और दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है मोबिलिटी इन द मीडियम वो है मॉलिक्युलर सीविंग अब मॉलिक्युलर सीविंग मतलब हम जो जेल अगर अगर यूज करते हैं एज अ मीडियम जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है और अगर हम डिटेल देखेंगे तो एक्चुअली वो वो एक क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है लाइक दिस, नेट लाइक स्ट्रक्चर सो ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है ये जो बीच में स्पेस क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द पोर्स सो हमारे जो सैंपल्स है वो इन पोर्स के थ्रू सीव होते हैं सो so, इस वजह से इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीविंग अगर पोर्स के साइज बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स बहुत फास्टली रन हो जाएगा और प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिल पाएगा अगर ये पोर्स के साइज छोटे हैं, तो सैंपल बहुत ही स्लोली रन करेगा और ऑब्वियसली बहुत डिस्ट्रक्शन आएगा उसके सेपरेशन में सो so इस वजह से ना ही पोर साइज छोटा ना ही बड़ा होना चाहिए बट इट शुड बी ऑफ द एवरेज साइज फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा दूंगी कि जब हम चाय बनाते तो हम इंग्रीडियंट्स बहुत सारी डालते हैं लेकिन हमें इंटरेस्ट है उसके लिक्विड पार्ट में तो हम एक मेटल सीव मेटल छन्नी यूज करते हैं एंड वो क्या करता है जो भी अनवांटेड हमारे मटेरियल होते हैं उसको सेपरेट कर देता है एंड वी गेट अ प्योर लिक्विड फॉर्म टी तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा सैंपल ये अगरोस से मीडियम से पास होता हुआ उसके मॉलिक्यूलर उसके जेल में मीडियम में जो पोर्स है उससे सीव होता हुआ, होता हुआ सेपरेट है। सो so, इस तरीके से पोर साइज आल्सो अफेक्ट्स द मोबिलिटी ऑफ अवर चार्ज मॉलिक्यूल एंड द फोर्थ एंड द लास्ट फैक्टर इज द कंपोजिशन अब बफर कंपोजिशन सो बहुत सारे बफर्स जो है वो यूज होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में एंड जो चॉइस ऑफ बफर है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा सैंपल सेपरेट करना चाहते हैं और अगर हम बफर हाई आयोनिक स्ट्रेंथ का आप लोग ने मोलैरिटी सुना होगा हाई मोलैरिटी का अगर हमने बफर सैंपल लिया है तो जैसे कि मैंने बताया कि बफर जो होते हैं वो करंट को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के पास ले जाने का काम करते हैं फ्लो कर करने का काम करते हैं सो so, अगर हम हाई स्ट्रेंथ हाई आयोनिक स्ट्रेंथ का बफर यूज करेंगे तो ज्यादातर जो लार्ज शेयर है करंट का वो बफर आयन ले जाएगा और जो आय है जो सेपरेटिंग मॉलिक्यूल है हमारे उसको बहुत ही छोटा शेयर मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट का जिसके वजह से हमारे चार्ज मॉलिक्यूल्स का जो माइग्रेशन है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा सो so, इस वजह से हमें ना ज्यादा हाई आयनिक स्ट्रेंथ लेना चाहिए ना ही बहुत ही लोअर आयनिक स्ट्रेंथ लेना चाहिए द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर सोल्यूशन शुड बी एवरेज नेक्स्ट इज द आयोनिक स्ट्रेंथ अब आयोनिक स्ट्रेंथ मैंने अभी आपको बताया ना हाई आयनिक स्ट्रेंथ होना चाहिए ना लो होना चाहिए इट शुड बी एवरेज एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द पीएच अब ये जो पीएच होता है बफर सोल्यूशन का पीएच इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक माइल आयोनाइजेशन यानी चार्ज इंपार्टमेंट सो so, जितना ज्यादा इंक्रीज पीएच रहेगा उतना ज्यादा इंक्रीज आयोनाइजेशन रहेगा सो so, इस वजह से हमें हाई आईनाइस पार्टिकल जो है वो बहुत ही हाई रेट में मोबिलिटी में रन करेगा और उसकी जो रेजोल्यूशन है जो हमें प्रॉपरली मिलना चाहिए सेपरेशन वैसा नहीं मिल पाएगा ठीक है सो so, पीएच भी ना ज्यादा हाईअर साइड होना चाहिए ना ज्यादा लोअर साइड होना चाहिए So, like this, ये जो फोर फैक्टर्स है दैट इज सैंपल इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम और बफर ये चारों ही हमारा जो मॉलिक्यूल है सेपरेटिंग मॉलिक्यूल उसके माइग्रेशन को इलेक्ट्रोफोरिटिक चेंबर में इफेक्ट करते हैं तो हमें वाइल्ड परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोफोरसिस टेक्निक इन चारों फैक्टर को कंसिडर करते हुए एक ऑप्टिमाइजेशन एक ऑप्टिमाइज कंडीशन में सेटअप करना चाहिए होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसके आगे के टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट क्लास में तो ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मीडियम का फोटो है और ये मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर के सैंपल्स को ऐड किया गया है आप देख सकते हो पिंक ग्रीन एंड येलो ऑरेंज ये थ्री डिफरेंट कलर का सैंपल्स है और ये पोरस जेल है ये जेल्स में पोर प्रेजेंट है जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हुआ इन तीनों के साइजेस भी डिफरेंट प्लस ये जो सैंपल्स बेस्ड ऑन साइज सेपरेट हुए हैं जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है जो पिंक कलर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम में सबसे पीछे है जो मीडियम साइज के है दैट इज ग्रीन इन कलर वो सेंटर में है और जो सबसे छोटे साइज के है दैट इज ऑरेंज इ कलर वो सबसे आगे रन कर रहे हैं हमारे जेल में सो so, इस तरीके से अलग अलग मिक्सचर ऑफ सैम्पल डिपेंडिंग अपॉन देअर मास सेपरेट आउट हो रहे हैं थ्रू द पोरस दिच इज प्रेजेंट ऑन द जेल नाउ थैंक यू होप आपको ये टॉपिक uh, समझ आया होगा और इन फ्यूचर में इसके आगे के टॉपिक्स पे और वीडियो आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूंगी थैंक यू इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन contact me on the above mail ID.